मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह जी हैं। आइए हम वीरेंद्र सिंह जी से बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे श्रद्धालु नवरात्रे चल रहे हैं तो उसको लेकर आपके क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जहाँ तक इस कोरोना वायरस का सवाल है, 15 तारीख से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है और नवरात्र जो 25 मार्च से शुरू होकर के 2 अप्रैल तक चलेगा, इसके लिए पुजारी मंदिर में सुबह शाम की आरतियां व हवन यज्ञशाला में हमारा यहाँ हो रहा है। मंदिर की परंपराएं पूरी की जा रही है मगर श्रद्धालुओं के लिए कम्प्लीटली बंद है। सुरक्षा गार्ड है अंदर तो और पुजारी है, इसके अलावा और किसी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए क्या व्यवस्था रखी? श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए हमारा हमने YouTube और एक वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं जो 24 घंटे, कल भी लोगों ने 40,000 लोगों ने उसमें हमारी वेबसाइट में लोगों ने ऑनलाइन दर्शन किए हैं। तो ये कब तक जारी रहेगा आपका? ये आगे जब तक ये जारी रहेगा जब तक मंदिर श्रद्धालुओं के खुलता नहीं है तब तक वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्शन जारी रहेगा। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से लोहित एक्सप्रेस के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ माता मनसा देवी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी शिव प्रसाद जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, जैसे नवरात्रों का वर्ष चल रहा है, हजारों श्रद्धालु इस नवरात्र के उपलक्ष्य में मत्था टेकने आते हैं, इस बार जैसे ये महामारी चल रही है तो भक्तों के लिए दर्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई? यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि हमारे जो देश में ये बीमारी चल रही है कोरोना वाली, इस महामारी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और जो कल से माता की नवरात्रि शुरू हुई, चैत्र की बसंत ऋतु की नवरात्रि, पहला नवरात्रा कल था और दूसरा है, तो नवरात्रों के मद्देनजर और भक्तों की आस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर ऑनलाइन की व्यवस्था जो है वो शुरू करी है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई आस्था में ठेस ना पहुँचे और अपने घर बैठे ही माता के दर्शन करें। जब तक सवेरे मंदिर 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मंदिर खुला है, ऑनलाइन भक्तों के जो माता की वेबसाइट है उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है और ऑनलाइन आरती का भी प्रसारण सवेरे शाम दोनों टाइम भक्तों के लिए किया जाता है। किसी को पड़े जी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति है या नहीं? यहाँ पर सख्त पैरा समझ लो या सख्त जो कानून जो भारत सरकार ने बनाए हैं उसकी पालना करते हुए किसी प्रकार से किसी यात्री की किसी भगत की अंदर एंट्री ले मात्र पुजारों के और जो हमारे सुरक्षा गार्ड हैं उनके अलावा कोई मंदिर में तो माता रानी के दर्शन सिर्फ ऑनलाइन किए जाते हैं। माता जो है दर्शन है वो भक्तों के लिए ऑनलाइन ही दर्शन करेंगे और भक्त माता से अपने दुख के निवारण के लिए सुख समृद्धि के लिए वो अपने घर बैठे माता का पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर में बैठ करके महामाई का गुणगान करें, पूजा पाठ करें, जो हमारी सनातन धर्म की पद्धति है। कल से नवरात्र की शुरुआत हुई है, 9 दिन तक माता का व्रत रखें, जो अपना फलाहार है फलाहार लें, जो एक टाइम को शाम को भोजन करना चाहते हैं वो एक टाइम को फल भोजन करें, लेकिन अपने मन में भगवान और माता के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने मन में यही रखें कि माता जल्दी से जल्दी जो है ये महामारी हमारे देश में या पूरे विश्व में आ रखी है, इस महामारी को समाप्त करें और लोगों के उज्जवल भविष्य स्वस्थ कामना के लिए स्वास्थ्य की कामना के लिए जो है भगवान और माता की प्रार्थना सूचना भक्तों को। पंचकूला मनसा देवी धाम से लोहित एक्सप्रेस के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.